अस्सलाम वालेकुम अदरीस मलिक, करंट लाइन कनाडा स्पेशल के साथ हाजिर खिदमत है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है इकरा खालिद, एमपी हैं, लिबरल्स की मुंतखब हुई हैं और इनका ये सेकंड टर्नओवर है। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस। इकरा, कौन सी ऐसी चीज़ की कम्युनिटी से आप इतनी डिवेल्प रही, इतनी इंटरकनेक्टेड रही कि कम्युनिटी ने फिर आंखें बंद करके आपको एक दफ़ा फिर मेम्बर बना दिया? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। One is that our leader Justin Trudeau has done a wonderful job in making sure that our middle class strong rahe. Secondly, as a public servant, here in Mississauga Aaron Mills, people have elected me to represent the community, to serve them. And in the past 4 years, we have worked hard to make sure that our community gets the full service that they are entitled to. अच्छा, बहुत लिबरल्स ने वैसे तो बहुत सारी पॉलिसीज़ की हैं। मेरा कंसर्न स्टूडेंट्स के लिए है, जो 50% आपने बेटरमेंट उसमें लेके आए, आपने उनके फंड्स को बढ़ाया। इसमें फॉरेन स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा, आप लोग उसकी पॉलिसी में भी आप लोगों ने चेंजेस की। मेरी अहमद हसन साहब से एक सीटिंग हुई और बहुत अच्छी सीटिंग हुई, और उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मैंने क्या किया है। इनको कंटिन्यू तो करना है इन पॉलिसीज़ को, लेकिन आपके माइंड में और क्या है मज़ीद अच्छा करने के लिए? Well, I think that Canada and Pakistan go bridges build करने की ज़रूरत है। अभी पिछले 4 सालों में हमने अपनी student policy को fix किया, हमने अपनी immigration policy को ज़्यादा मज़ीद बढ़ा रहे हैं, हमने अपनी trade को ज़्यादा increase करना चाह रहे हैं। अभी चंद महीने पहले हमने $21 million of aid दिया to develop democracy for women and girls in Pakistan. These kind of initiatives, I think, really play a big role in how two countries interact with one another. So, in the next 4 years, we're going to continue to build those bridges and make sure ke hum ye friendship ko enhance kar rahe hain, hum ek dusre ki relationship ko strong kar rahe hain, people to people ties hum build kar rahe hain, and at the end of the day, making sure ke Canadians of Pakistani heritage and people of Pakistan are able to benefit from one another. अच्छा, पाकिस्तान में मेरे कंसर्न इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा होंगे पाकिस्तान में, क्योंकि आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी, और हमने पाकिस्तानी मीडिया में लोगों को दिखाना है, उनका ज़्यादा फ़ायदा हो। मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पूछनी है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, करतारपुर राहदारी भी उन्होंने खोली, तो आप कैसे इन सारी चीज़ों को देखती हो कि यहाँ पर जो कम्युनिटी है उसको आपने आगे लेकर जाना है, हाउ इट विल बी गुड, और मज़ीद इमरान खान को क्या करना चाहिए? Well, I think ke jo Prime Minister Imran Khan kar rahe hain, which is to recognize and to develop the minorities of Pakistan and to provide the support to those minorities, I think ye bahut acha step hai forward. Kyunki any good democracy, any strong democracy, agar aap apni minority communities ko aap support nahi karte, to aapki democracy will inevitably fail. That is the meaning of democracy. So I think Prime Minister Imran Khan is doing a wonderful job in involving everyone in the building of Pakistan, and that's really what the liberal policy is as well Canada mein, to make sure ke jab hum apne mulk ko progress ki taraf leke jaate hain, we want to make sure ke sari communities ikatthe mil karke isme contribute kare, hamare progress mein contribute kare. In order for that to happen, we have to make sure कि ऑल ऑफ दीज माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, उनको प्रॉपर सपोर्ट मिल रही है, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, एंड दैट्स रियली वेयर द पॉलिसीज कम इनटू प्ले. जैसे कि हमारी मल्टीकल्चरलिज्म पॉलिसी है, मिसिसागा एरन मिल्स में 43 डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक की जाते हैं. इट्स अ वेरी डाइवर्स राइटिंग, यू नो, फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, आपको हर एक आपको टू मच 43 लैंग्वेजेस, ये मेरे नॉलेज में भी बहुत बड़ी चीज आई है. इकरा, पाकिस्तानी कम्युनिटी से मैं यहाँ मिला, यहाँ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा खेली जाती हैं, कबड्डी एक बड़ी स्पोर्ट है जो आपको पता है एशिया की यहाँ खेली जाती है. मैंने एक दो इंटरव्यूज भी किए हैं, मुझे कुछ चीज़ें देखने में नज़र आई हैं कि पाकिस्तानी को वीज़े इतने आसानी से कैनेडा के नहीं लगते, खासकर स्पोर्ट्स कम्युनिटी, जर्नलिस्ट कम्युनिटी, ये वो कम्युनिटीज हैं जो आती हैं तो कल्चरल भी डिवेल्प होता है और टाइज भी स्ट्रांग होते हैं. इस पर आप समझती हैं कुछ चीज़ करने की ज़रूरत है या इट्स ओके? नहीं, एब्सोल्युटली. जब हम रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात करते हैं तो दोनों तरफ से हाथ पड़ना चाहिए, राइट? कैनेडा इज विलिंग टू प्ले इट्स रोल. इनफैक्ट मेरी बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई थी हमारे गवर्नर ऑफ पंजाब के साथ टू टॉक अबाउट कि हम कैसे अपनी रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं, एजुकेशन के हवाले से, कल्चरल एक्सचेंज के हवाले से. एंड आई एम मोर देन हैप्पी एंड विलिंग टू वर्क विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ताकि हम
मिलकर जो भी करें मिलके करें। अच्छा, आपने ये जुमला बोली तो मेरे जहन में बात आ गई, पाकिस्तान बिजनेस फोरम जो कनाडा में चल रहा है और उसके रूए रो हैं ख्वाजा नदीम, अब वो एक डेलीगेशन पाकिस्तान लेके जाना चाह रहे हैं और ये सारी चीजें जो पाकिस्तान का पॉजिटिव कल्चर बिल्डिंग है, टूरिज्म बिल्डिंग है, इसकी तरफ करतारपुर राहदारी को जहन में रखते हुए, इफ यू इनवाइटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन तो आप उसका हिस्सा बनेंगी? वेल, आई मोर देन हैप्पी टू डू व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड दोस ब्रिजेस बिटवीन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान and you know, work with our government and make sure that the constituents of Mississauga, Erin Mills, and indeed all Canadians of Pakistani heritage have the effective representation that they need. Acha, Pakistani talba jo hain yahan pe aake bahut zyada economy mein, building mein role play kar rahe hain, education ko bhi apni aage lekar chalte hain aur bahut positiveness hai ki Pakistan ko liberals ne category mein dala hai aur Pakistan ab China aur India ke sath इस कैटेगरी को रिमेन्स रखते हुए आप समझती हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आपका मैसेज क्या होगा कि वो इसको पॉजिटिवली लें और अट्रैक्ट हों बजाय इसके कि वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएं, यूके की तरफ जाएं, जैसे हमारे पास जो रेशो आ रही है वो यहाँ आए, जो पॉजिटिव लिबरल्स ने किया है उसे बेनिफिट उठाएँ और ना सिर्फ अपना मुस्तकबिल संवारें बल्कि कनाडा का। वेल, आई थिंक कनाडा इज हेवन ऑन अर्थ। यहाँ पर हमारी डाइवर्सिटी, हमारी इकॉनमी, आवर unemployment rate, these are all attractive factors for talent from all across the world, including Pakistan. And we want to make sure ki jaise ki hum Canada ki buniyad ko strong karte hain, we want to make sure ki sari duniya se jo talent hai, they're able to come in and take the opportunities that are available here in Canada. So we're going to do our part here as the government of Canada and as Canadians to make sure ki hum apne country ko strong karte rahe. Ikra, kuch पाकिस्तानी कम्युनिटी जानना चाहती है आपके बारे में, बड़ी छोटी सी थी जब आप कनाडा की पॉलिटिक्स में आईं, बड़ा नाम आपने कमाया, ये पॉलिटिक्स में आने का शौक यहाँ आके ही हुआ या पहले से था? यू नो, मैं बचपन से मैं वॉलंटियर बहुत करती हूँ, या फूड बैंक्स में हो या लाइब्रेरी में और आर्ट गैलरीज में, आई लव माई कम्युनिटी। एंड जब हम कनाडा में मूव हुए तो मुझे एहसास हुआ कि इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है एंड मुझे इस मुल्क को कुछ वापस देना चाहिए, एंड द ओनली थिंग आई हैव इज अपनी जान, एंड आई हैव वर्क्ड सो हार्ड एंड आई वांट टू कीप ऑन गिविंग बैक टू माय कम्युनिटी। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बस एक अ वे, एक जरिया है फॉर मी टू सर्व माय कम्युनिटी ऑफ मिसिसॉगा, एरिन मिल्स, एंड इंशाल्लाह इन द फ्यूचर मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ टू सर्व, वेदर इट्स इन दिस रोल और इन एनी अदर रोल। इकरा, यू आर अ यंग मॉडल एज रोल मॉडल फॉर द यंगर वंस, जो जनरेशन है हमारी वो देखती है, जब लड़कियां पाकिस्तान में देखती हैं कि इकरा 29 इयर्स की थी, मेंबर पार्लियामेंट बन गई, यूनिवर्सिटी में बड़ा नाम कमाया, अपनी डिग्रीज में अच्छा नाम कमाया, कम्युनिटी में अच्छा नाम कमाया, प्रेजेंटेशन बड़ी शानदार थी, और शुड बी योर मैसेज टू देम कि क्या करें वो कि वो पॉजिटिव रहें और अचीवमेंट्स भी। Well, I think के हमारे यूथ को एहसास है ऑलरेडी कि जो दुनिया का फ्यूचर है वो उनके कंधों पर है, एंड जब वो एहसास को हमारे यूथ अपना लेते हैं और फिर दे वर्क हार्ड एंड दे परस्यू देयर पैशंस, ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स में ही आपका पैशन हो, आपका पैशन कुड बी इन द आर्ट्स और इन द साइंसेज और इन इंजीनियरिंग और in so many different areas, agar aap dil laga ke apne passion ko pursue kare to success aapke raste mein hoga, absolutely, and you should never forget ke aap kahan se aaye hain, or you should always keep in your heart a willingness to do good for the people around you, not just for yourself. थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से इकरा खालिद ने एक मैसेज दिया है यूथ को कि आपने अपना फोकस सीधा रखना है और आपने पॉजिटिव रहना है और आपने ये सोचना है जो लुबे लुबाब है कि मैं कर सकता हूँ, जितना आप ये सोचेंगे, जितना आपका पैशन स्ट्रांग होगा और अपने मकसद को, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप उस राह पर चलते रहेंगे, आप ज़रूर हासिल कर सकेंगे। आपने इस इंटरव्यू को सुना और जो इंपॉर्टेंट चीज़ इससे अगली भी है कि उम्मीद बड़ी है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी ये जो पॉजिटिव चीज़ें इकरा खालिद ने बताई हैं उनको अपनाएगी और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर करेगी। अदरीस मलिक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया।